ठीक है, ऑक्टेट की जगह पे हमारे पास क्या होते हैं, ब्लॉक्स। रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको हेक्साडेसिमल से, और इसमें कंप्लीट बिट होती हैं, जैसे IPv4 इज 32 बिट, ये होता है 128 बिट एड्रेस। ठीक है, हम सबको मालूम है कि IPv4 कैन ओनली गिव बी गिवन टू 4.2 बिलियन ऑफ पीपल, राइट? देर आर ओनली दिस मच नंबर ऑफ IP एड्रेसेस इन IPv4, 4.2 बिलियन। क्यों? क्योंकि देखो, अगर हम कॉम्बिनेशन से बनाए तो 32 बिट में सिर्फ इतने ही कॉम्बिनेशन बनते हैं, है ना, और ये कुछ इसी के इक्वल ला के बैठता है, करेक्ट? तो ये 4.2 बिलियन तक आ जाता है, जबकि अगर आप 2^128 करोगे तो ये काफ़ी लंबा चौड़ा नंबर हो जाता है, आपको काफ़ी सारी इसमें वैल्यू मिल जाती है, जिससे आप हर चीज़ को एक आई पी एड्रेस असाइन कर सकते हो। अब जैसे हमें पता ही है कि द न्यू कंसेप्ट जो कि आजकल चल रहा है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, राइट, हर चीज़ पे IP, राइट, एवरीथिंग इज़ IP बेस्ड, तो उसके लिए हमें IPv6 की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि हमारा IPv4 इज़ ऑलरेडी ऑन द वर्ज ऑफ बीइंग एग्जॉस्टेड। वो तो हमने बचा रखा है, कैसे बचा रखा है, नेट कर लेते हैं, है ना, नेटिंग हो जाती है, उससे थोड़ी बच जाती है, फिर सब नेटिंग कर लेते हैं, है ना, फिर और भी थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे प्राइवेट IP एड्रेसेस हैं, है ना, हम जब ऑफिस टू ऑफिस कम्युनिकेट कराते हैं तो उनसे कहते हैं ठीक है आप सेम IP यूज़ कर सकते हो, तो अब हमने कॉन्सेप्ट निकाला है VRF जो MPLS वगैरह के अंदर निकल गया है ना, उसमें आप चाहो तो बहुत सारे लोग सेम IP एड्रेस यूज़ कर सकते हो, एक ही राउटर के कई इंटरफेसिस पे आप सेम IP एड्रेस अलग अलग VRF में डाल के चला सकते हो, राइट, बट एट दी एंड कहीं ना कहीं तो ये एंड हो ही जाएगा, राइट? तो उसके लिए गाइज हम लोगों ने IPv6 एक एड्रेस बनाया वर्जन 6, और इसको 128 बिट का कंप्लीट एड्रेस बनाया, मगर हम इसको न्यूमेरिकल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट नहीं करते, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं हेक्साडेसिमल के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? हेक्साडेसिमल। अब हेक्साडेसिमल क्या होता है, 0 से 9, इसमें 10 नहीं होता है, इसमें क्या होता है, A, B, C, D, E और F, इसमें बस इतना ही नंबर होता है हेक्साडेसिमल। ठीक है, तो A का मतलब ऐसा नहीं है कि A अल्फाबेट कोई चीज़ हो गई, नहीं, A का मतलब 10 ही है, मगर हम उसे 10 लिख के क्या लिख रहे हैं, A लिख रहे हैं। अगर हम मैं B लिख रहा हूँ आपके पास, तो B का मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ B की जगह कोई और B एज अ कैरेक्टर भी, या B कुछ नंबर हो गया, B का मतलब है 11, C का मतलब है 12, और उसी तरीके से फिर ये ठीक है जी, डी है और फिर ई है और फिर एफ है, इसी तरीके से, तो मतलब जो हाईएस्ट कैरेक्टर है वो 15 है, जो हाईएस्ट नंबर आप असाइन कर सकते हो हेक्साडेसिमल में वो कितना है, 15 है। अब अगर मैं इसको आईपी एफ लिखूं, राइट, तो इसका मतलब क्या है, क्या मैं इसको बाइनरी रिप्रेजेंटेशन दे सकता हूँ 15 को? हाँ। दे सकता हूँ ना, तो इसमें कितना हो जाएगा, देखो 128 वाला 0, 64 वाला 0, है ना, 32 वाला 0, 16 वाला 0, 8, 4, 2, 1, है ना। आप एक बात बताओ, जो हाईएस्ट करेक्टर है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको कितनी बिट की जरूरत पड़ी? देखो 0 को तो हम काउंट ही नहीं करेंगे, तो हाईएस्ट के लिए कितनी जरूरत पड़ी, 4, तो क्या मैं लोवेस्ट को भी 4 में नहीं कर सकता? कर सकता हूँ ना। तो याद रखो, हेक्साडेसिमल का हर कैरेक्टर अपने अंदर 4 बिट लेके चलता है। एवरी कैरेक्टर इन हेक्साडेसिमल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय हाउ मेनी बिट्स? 4 बिट्स। ठीक है सर, अब देखिए इसको किस तरीके से देखते हैं। देखिए ये 0 है, तो 0 को कैसे लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, राइट? अगर मैं 1 लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, ठीक है सर, 2 लिखना है तो 3, ठीक है जी, उसके बाद 4, 5, 6, 8 के लिए आप थोड़ा सा और चीज करोगे, 8 लिखोगे यहाँ पे 1, 0, ठीक है जी, 9,
दस, दस नहीं लिखते हैं हम यहाँ लिखेंगे, मगर होगा वो दस ही, ठीक है। बी के जगह क्या लिखेंगे, इलेवन, जीरो, वन, वन। सी के लिए जगह क्या लिखेंगे, बारह। डी के जगह तेरह। हाँ, ई की जगह क्या लिखेंगे सर, और एफ की जगह, भाई एक मिनट रुको, हाँ ये हर कैरेक्टर की अपनी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है हेक्साडेसिमल, ठीक है सर। हम हर कैरेक्टर को कितने बिट से डिफाइन कर सकते हैं, चार बिट से। अब अगर मैं आईपी एड्रेसिंग की बात करूं तो यहां पे ऑक्टेट नहीं होते, यहां पे क्या होते हैं, एक आईपी, रिपीट कर रहा हूं, एक आईपी वी सिक्स एड्रेस में आठ ब्लॉक्स होते हैं। कितने ब्लॉक्स, एक आईपी वी सिक्स के एड्रेस में कितने ब्लॉक होते हैं, आठ। हर ब्लॉक के अंदर चार कैरेक्टर होते हैं, कैरेक्टर 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 की स्पेलिंग भूल गया, इतना समझ लो, कैरेक्टर लिखा सी एच का मतलब कैरेक्टर, ठीक है। ठीक है जी, चार कैरेक्टर होते हैं उसके अंदर, करेक्ट। अब उसके अंदर चार कैरेक्टर का मतलब क्या है कि अगर हर कैरेक्टर की चार बिट, हर कैरेक्टर की कितनी बिट, तो एक ब्लॉक में कितना, 16, और 8 में कितना, ठीक है सरकार। इस तरीके से ये कितने होती हैं, 128 बिट बन के आती हैं हमारी। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल नंबर आप नहीं लिखेंगे, पहली बात, ठीक है सर। यहाँ पे हम लोग हेक्साडेसिमल की एबीसीडी लिखेंगे, हेक्साडेसिमल समझ में आया। अब आगे चलते हैं, अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं ऐसे एक IPv6 एड्रेस लिख सकता हूं, 1 2 3 4 ए बी सी डी ई एफ 1 2 3 4 8 5 7 1 2 3 4 5 6 7 8 और कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 और 1 2 3 4। सर जी कितने ब्लॉक्स हैं, देखो ये ना नंबर नहीं है, ये हेक्साडेसिमल कैरेक्टर्स हैं, राइट। हर कैरेक्टर की अपनी कितनी बिट, चार बिट। तो ये 16 बिट लेके आएगा, ये 16 बिट लेके आएगा, ये भी 16 बिट लेके आएगा, इसी तरीके से सारे बंदे 16-16 बिट लेके आएंगे, और एक हेक्साडेसिमल पूरा का पूरा अगर मैं काउंट करूं तो कितना हो जाएगा। अब एक बात बताओ मेरे भाइयों, बहुत आसानी से, क्या तुम इसको याद कर सकते हो? तो इसको एक थ्योरेटिकल चीज़ है जिसमें आपको समझाने के लिए इन्होंने डिवाइड करा है तीन कैटेगरी के अंदर, है ना, कि अगर आपको IPv6 को थ्योरेटिकली थोड़ा सा समझना है तो उसको ऐसे समझ सकते हो, ये जो पहले तीन ब्लॉक्स है ना, इसको हम बोलते हैं ग्लोबल प्रीफिक्स। ये यूज़ करेंगे लेकिन अभी नहीं, ठीक है, लेकिन याद रखना ग्लोबल प्रीफिक्स के अंदर कितने वो आएंगे ब्लॉक्स, तीन ब्लॉक्स। उसके बाद हमारे पास ये चार ब्लॉक्स हैं, राइट। ये चार ब्लॉक से बनेगी इंटरफेस आईडी, क्या बनेगी, और जो बीच वाला भाई है ये वाला, ये आपको देगा सबनेट मास्क। हालांकि इस सबनेट मास्क का तो कोई हम यूज नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन हाँ इंटरफेस आईडी वी आर गोइंग टू यूज अभी बहुत जल्दी। सर जी क्लियर हुआ, क्या बोल, क्या सीक्वेंस, हाँ ये सीक्वेंस वाइज होगा, पहले ग्लोबल प्रीफिक्स आएगा फिर इंटरफेस आईडी, ठीक है। उसके बाद अब देखो एक आईपी एड्रेस ऐसा भी तो हो सकता है, वन टू थ्री फोर तो लिख दिया,
था, शॉर्ट करेंगे तो करते हैं, देखो सर 8 ब्लॉक्स हैं, करेक्ट है। अब देखो इतना बड़ा आईपी एड्रेस लिखने का तो कोई फायदा है नहीं, मतलब ही नहीं बनता है ना। तो आपको याद रखना है कि अगर कोई आपसे बोले कि मेरी सैलरी में 6 जीरो आते हैं, सैलरी कितनी होगी उसकी? 10 लाख। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, किसी ने आपसे बोला मेरी सैलरी में 6 जीरो आते हैं, अब आपने तो अच्छा सोचा ना कि उसके लिए अच्छी सोच होगी आपकी, ओके होगी। अगर आप अकेले करना चाहे वो इस जीरो को यहाँ से उठा के और यहाँ लगा दे तो अब भी तो 6 जीरो आए। आपने तो अच्छा सोचा, राइट, आपने हमेशा जीरो को इधर वैल्यू में लेके आए, लेकिन क्या इनका कोई वैल्यू है? नहीं। उसी तरीके से याद रखना, अगर जीरो कहीं भी पहले आ रहा है तो उसका कोई सिग्निफिकेंस हमारे आईपी एड्रेसिंग में भी नहीं होता है। तो अभी आप देखो यहाँ पे क्या इन जीरोस का कोई सिग्निफिकेंस होगा? नहीं होगा ना। तो हम सिंपल सीधा सा क्या लिख सकते हैं इस ब्लॉक के लिए? 1। समझ आया? उसमें अज्यूम करना पड़ेगा कि पहले वाले 3 जो होंगे वो क्या होंगे? 0 होंगे, ठीक है सरकार। अब ये देखो यहाँ पे ये पूरा ब्लॉक 0, ये पूरा का पूरा ब्लॉक 0 है ना, ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है ना। अगर कहीं कंजेकेटिव ब्लॉक्स, मतलब मिले मिले ब्लॉक्स, अगर आपके कंजेकेटिव ब्लॉक्स जीरोज हैं तो आप उसमें डबल कॉलन का यूज कर सकते हैं। डबल कॉलन बोले तो देखो मैं यहाँ पे 2 इस तरीके से कॉलन लगा दूंगा, 1, 2, 3, 4 लिखूंगा, डबल कॉलन लगाऊंगा। लेकिन यहाँ पे भी लगा सकता हूँ डबल कॉलन। एक IPv6 एड्रेस में डबल कॉलन 1 लगेगा, चाहे आप यहां लगा लो चाहे आप यहां पे लगा लो, ठीक है, एक डबल कॉलन लगेगा कहीं पे भी लगा लो, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम बताओ कौन सा वाला डबल कॉलन लेना है, पहले वाला दूसरा वाला? पहले वाला। अब इसको भी छोटा करके लिख सकते हैं, कैसे? 0 0 0 और क्या लिखेंगे? 1, 2, 3 जो पेयर बन रहा है उनका, हाँ पेयर जो बन रहा है उनको 0 कर दिया। अब देखो इसमें ये आईपी एड्रेस कुछ छोटा सा नहीं लग रहा है, इसमें आपको अज्यूम करना है कि जितने भी बचे हुए ब्लॉक्स हैं वो क्या है? 0 हो जाए, ठीक है सर। कहीं भी इस प्राणी को देखो, ठीक है, चाहे शुरू में देखो चाहे आखिर में देखो, जहां भी देखोगे आपको क्या समझना है इसमें कि यहाँ पे हमेशा क्या आ गए हैं? 0s आ गए, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत? आगे चलें, ठीक है। अब गाइस ऐसे भी IPv6 एड्रेस आ सकते हैं आपके सामने, 1, 2, 3, 4 डुअल कॉलन स्लैश 16, ये क्या लिखा है? हाँ जी सर, देखो नेटवर्क आईपी है ये IPv6 ही नेटवर्क आईपी है। क्यों? क्योंकि इसने कहा ये तो नेट, देखो ये सबनेट मास्क है, क्या है ये? जैसे IPv4 में सबनेट मास्क होता था वैसे यहाँ भी सबनेट मास्क है ये, नंबर ऑफ द बिट प्रेजेंट इन द नेटवर्क पोर्शन, है ना। अब आप बहुत ध्यान से देखो इसको कि जब मैं इसकी बात कर रहा हूँ तो मैंने कहा कि ये पूरा का पूरा ब्लॉक किसमें गया? नेटवर्क में, तो बाकी बच्चे क्या किसमें जाएंगे? समझ आया सर? तो इसमें आप 0 लिखते चले जाओ एंड तक, है ना, मैं 1 1 0 लिख दूँ कोई दिक्कत तो नहीं है। 1, 2, 3, 4 कॉलन 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 वाला। सर जी कोई दिक्कत है? चाहे इसको ऊपर वाले से रिप्रेजेंट कर लो चाहे इसको आप नीचे से रिप्रेजेंट कर लो, बात सेम है, ठीक है। अब इसमें IPv6 एड्रेस को असाइन करना कहाँ से शुरू करोगे? जैसे हम IPv4 असाइन करते थे वैसे ही IPv6 असाइन होता है, हमेशा इस डायरेक्शन में, ठीक है सर। तो 0 के बाद पहले क्या आएगा? इमीडिएटली, फिर ये क्या जाएगा? 2,
फिर ये कैसे आएगा, 3 4 ए बी सी डी ई एफ तक जाएगा। एफ तक जाने के बाद जो इसमें दूसरा वाला कॉलम है ना, ये दूसरा वाला कॉलम जो है ये फिर क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, फिर 1 0, फिर 1 2, फिर ये एफ 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 एफ, फिर ये सारे जितने भी खाली खाने हैं ये एफ 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 तक जाएंगे। समझ आया क्या? तब क्या है कि ये वही है जो IPv4 में होता था। जैसे IPv4 में ये सबनेट मास्क है, तो IPv6 में भी ये सबनेट मास्क ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही बता रहा है कि ये जो है ये नेटवर्क पोर्शन है, ये आप बदल नहीं सकते हो, लेकिन बाकी जैसे हम उसमें बदलते थे होस्ट पोर्शन, तो ये होस्ट पोर्शन हमने बदल दिया इसमें। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा देखो, ये जहाँ से ये एफ हो रहा है राइट, ये एफ होने के बाद ये 1 0 हो जाएगा, फिर ये 1 1 जाएगा, फिर ये 1 F हो जाएगा, फिर ये 2 0 हो जाएगा, फिर ये 3 0 हो जाएगा, 4 0, 5 0, 6 0, फिर ये FF हो जाएगा, फिर ये FF होने के बाद फिर ये बंदा जिंदा हो जाएगा, फिर ये अपनी काउंटिंग कराएगा, फिर ये FFF हो जाएंगे, फिर ये इधर आएंगे चौथे वाले पे, फिर चौथा वाला F होगा, फिर आप दूसरे ब्लॉक में चले जाओगे। इस तरीके से आप इसमें पता कितनी IP बना सकते हो, 2^16 घटा लो 128 में से, 128 में से 16 माइनस करना, 112 सर, इतनी IP बना सकते हो इस ब्लॉक से। मतलब पूरे इंडिया को IP दे सकते हो, हर बंदा, गांव, ऊंचा शहर, सड़क, रोड, पेड़ पौधा, हर किसी को एक IP दे सकते हो। ठीक है सर जी, कोई दिक्कत है नहीं? अब देखिए, नॉर्मली IPv6 के अंदर क्लासेस तो नहीं होती हैं, इसके अंदर 3 रेंज होती है। क्या होती है? 3 रेंज। यहाँ पे ब्रॉडकास्ट नहीं होता है, यहाँ पे ब्रॉडकास्ट नहीं होता है, यहाँ पे 2 होती हैं, या तो आपकी IPv6 यूनिकास्ट करेगी, या आपकी IPv6 क्या करेगी, मल्टीकास्ट। बात बात ठीक है, एनी कास्ट है और मल्टी कास्ट है। IPv6 डज नॉट हैव ब्रॉडकास्ट, देर इज नो ब्रॉडकास्टिंग इन IPv6। अब आपकी यूनिकास्टिंग को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। एक है आपके ग्लोबल प्रीफिक्स, एक है आपके यूनिक लोकल एड्रेसेस, और एक है आपके लिंक लोकल एड्रेसेस। यूनिकास्ट में, मल्टीकास्ट में ऐसी कोई रेंज नहीं। ठीक है सर, अब आप ध्यान से देखें इसको, ग्लोबल प्रीफिक्स जो हैं, जो हमारे IPv4 में पब्लिक IP एड्रेस होती थी ना, तो ये IPv6 की पब्लिक IP एड्रेसेस हैं। ठीक है सर, दीज आर IPv6 पब्लिक IP एड्रेसेस, कौन, ग्लोबल प्रीफिक्सेस, इसको पब्लिक लिख देते हैं। यूनिक लोकल एड्रेसेस हमारे IPv6 के प्राइवेट IP एड्रेसेस हैं। लिंक लोकल एड्रेसेस क्या होते हैं? लिंक लोकल एड्रेसेस थोड़ा सेपरेट से होते हैं, ये थोड़े विचित्र प्राणी से हैं, ये खुद ही बन जाते हैं, है ना, ये खुद ही बन जाते हैं, ये थोड़े से विचित्र प्राणी हैं। अब इनकी कुछ रेंज है, ऐसा नहीं है कि इनमें कोई रेंज वेंज नहीं है। मल्टीकास्टिंग हमेशा FF00 डुअल कॉलम /8। अगर आप शुरुआत में कहीं भी FF IPv6 के एड्रेस में देखेंगे, दोबारा बात कर रहा हूँ, अगर आप शुरुआत में स्टार्टिंग ब्लॉक के अंदर, फर्स्ट ब्लॉक के अंदर कभी भी FF पहले 2 कैरेक्टर देखोगे, तो इमीडिएटली समझ जाना कि ये कौन सा एड्रेस है, मल्टीकास्टिंग। समझ गया?
अब आगे चलते हैं, बताऊंगा अभी। यहाँ पे पब्लिक आईपी एड्रेस की एक रेंज है 2000/8 यूनिक लोकल एड्रेसिंग की रेंज है FC00:7 इसकी तीन है, सॉरी आठ नहीं है, तीन। और लिंक लोकल है FE80:10 ठीक है सर। ये इनके प्री डिफाइंड सबनेट मास्क है ना, इनके प्री डिफाइंड क्या है, सबनेट मास्क। अब जब हम बात करेंगे, सबसे पहले बात करते हैं दो की, तो दो जो हमने कैरेक्टर बनाया है उसका देखो ध्यान से, यहां से तो वो कुछ इस तरह का बिट में रिप्रेजेंट होता है या नहीं होता है, है ना। इसको उतार लेते हैं यहां पे 0010 करेक्ट। अब यहां पे तीन क्या सिग्निफाई कर रहा है कि कितनी बिट है, तीन। कैरेक्टर टोटल कितने से बनता है, चार से। तो क्या ये वाली बिट अभी मैं यूटिलाइज कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, कर सकता हूं। कौन सी तीन नहीं कर सकता, देखो ये तीन नहीं होंगी, ये एज इट इज रहेंगी करेक्ट, ये चेंज नहीं हो सकती। कौन सी चेंज हो सकती है, ये वाली, क्योंकि ये होस्ट पोर्शन में है, चेंज हो सकती है ना। तो अगर ये जीरो है तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, वन। और क्या ये पहली तीन बिट अभी भी सेम है या नहीं है, तो देखो ग्लोबल प्रीफिक्स की इसकी दो रेंज है, एक तो 2000 और एक है 3000। सो देर आर टू रेंज ऑफ पब्लिक आईपी एड्रेसेस इन IPv6, वन इज 2000 एंड अदर इज व्हाट, 3000। तो अगर शुरुआत में कहीं 2000 या 3000 पैरा कैरेक्टर दिखाई दे IPv6 के एड्रेस में, तो आपको अज्यूम करना है कि ये हमारा पब्लिक आईपी एड्रेस है। पहले ब्लॉक के पहला कैरेक्टर, पहले ब्लॉक का पहला कैरेक्टर अगर 2000 है या 3 से शुरू हो रहा है तो वो हमारी पब्लिक आईपी एड्रेसेस ऑफ IPv6 हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। अब उसी की तरीके से ही देखो FC00, F में कितने कैरेक्टर आ गए C में कितने हैं, C में देखो यहाँ पे ये रहा C आपका, है ना, C है ना, ये 1 1, ये कितने कह रहा है, ये कह रहा है 7, है ना। अब अगर ये 7 कह रहा है तो 4 और 3 कितनी हो गई, 7। क्या ये अभी भी ओपन है, है ना, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, 1। अगर 1 कर दूं तो ये 3 तो अभी भी सेम है और F भी सेम है ना, तो कौन सा हो जाएगा, F D। तो देखो एक रेंज तो यूनिक लोकल एड्रेसेस की ये रही और दूसरी कौन सी हो गई, F D 00:7 सो देर आर टू रेंज ऑफ यूनिक लोकल एड्रेसेस इन IPv6। वन इज FC00:7 एंड अदर इज व्हाट, FD00:7 ठीक है सर। जैसे हमारी पब्लिक की दो थी वैसे हमारी प्राइवेट की भी दो रही हैं, 1 2 3 नहीं होता, बिट तो हमेशा 0 और 1 ही होगी, बिट तो 0 और 1 ही होगी ना, ये नंबर नहीं है, ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है उसका। अब देखिए यहाँ पे FE80, अब आ जाते हैं हम FE80 पे, 10:10। अब देखो F ऐसे बनता है 1 2 3 4 है जी, 8 कैसे बनाऊंगा, 1 0 0 0 सॉरी F कैसे बनाएंगे, 1 2 3 4 E कैसे बनाएंगे, है ना, 8 कैसे बनाएंगे और 0 कैसे लिखेंगे, हमें कितनी बिट चाहिए, 10। तो हम सिर्फ अपने 10 काउंट करेंगे, राइट,
है। हाँ देखो, चार और चार आठ और दो दस है ना, तो इसकी ये दोनों बिट क्या हैं, एम्प्टी हैं। इसमें अब हम कैरेक्टर बना सकते हैं, जीरो वन है ना, वन जीरो और वन वन। तो देखो एक हो जाएगा एफ ई ए टी डुअल कॉलन स्लैश टेन, एक हो जाएगा एफ ई नाइन्टी डुअल कॉलन स्लैश टेन, एफ ई ए ज़ीरो और एफ ई बी ज़ीरो। ये सारे लिंक लोकल एड्रेस के अंदर आते हैं जी। लास्ट के जो चार अंक क्योंकि वो तो अलग कैरेक्टर है ना, मैं तो कैरेक्टर में ही तो छेड़छाड़ कर सकता हूँ बिट की। बस मेरे कैरेक्टर में अगर कोई इधर उधर आ रहा है, मतलब चार बिट में अगर कोई इधर उधर हुआ तो मैं उसके साथ छेड़छाड़ करता हूँ, अगर कोई पूरा है तो उसे नहीं छोड़ा। ठीक है, ठीक है सर। तो दीज आर द रेंज फॉर माई आई पी एड्रेसेस, चाहे मेरा लिंक लोकल की बात कर लूँ, चाहे मैं ग्लोबल की बात कर लूँ, चाहे मैं प्राइवेट की बात कर लूँ, करेक्ट। इनके बीच में लाएगा, हाँ मतलब ये चारों आएंगे शुरुआत में। अगर शुरुआत में ये चारों हैं तो आपका एड्रेस क्या है, लिंक लोकल एड्रेस है। जैसे वहाँ 2002 से शुरू हो रहा है, 3 से शुरू हो रहा होने वाला कोई भी एड्रेस, उसमें एफ सी से शुरू होने वाला, उसमें एफ डी से शुरू होने वाला है ना, वो सारे किस्में आ जाएंगे आपके अकॉर्डिंग टू रेंज आएंगे। अब आप जाओ मल्टी कास्ट के ऊपर। देखो मल्टी कास्ट में दो एफ हैं और यहाँ पे क्या लिखा है, 8। तो देखो एफ के पहले वाले कैरेक्टर में 1 2 3 4 और दूसरे एफ के अंदर कितने हैं, 1 2 3 4। तो इसमें क्या मैं छेड़छाड़ कर सकता हूँ, नहीं ना। तो ध्यान रखना मल्टीकास्टिंग सिर्फ एक ही रेंज होती है जो शुरुआत होती है डबल एफ के साथ। डबल एफ के साथ कहीं भी कुछ भी देखो तो समझ जाओ फौरन कि इच्छा मल्टीकास्ट आईपी एड्रेस। क्लियर है, एकदम क्लियर है सबको। चलें सर आगे चलें। अब आप देखिए कि देखिए आपको पता है कि प्राइवेट आईपी क्या होती है, करेक्ट। आप समझ सकते हो कि व्हाट इज अ प्राइवेट आईपी एड्रेस, राइट। अब हम बात कर सकते हैं पब्लिक आईपी की, तो आप पब्लिक आईपी भी समझते हो कि व्हाट इज अ पब्लिक आईपी एड्रेस, राइट। ये हमने सीसीएनए में पढ़ा था कि व्हाट इज प्राइवेट एंड व्हाट इज पब्लिक। लेकिन आपने यहाँ पे एक नया आईपी एड्रेस पढ़ा जिसे हमने बोला लिंक लोकल एड्रेस, राइट। क्या है वो, लिंक लोकल एड्रेस। लिंक लोकल की एड्रेस में अगर मैं शुरुआत का ब्लॉक ले लूं तो वो तो मुझे पता ही है कि क्या होगा, शुरुआत में तो यही होगा, बाकी चाहे बाद में कुछ भी हो जाए। तो बाकी बाद में एक्चुअली होता क्या है कि लिंक लोकल एड्रेसेस यू नेवर असाइन टू एनीवन, लिंक लोकल एड्रेसेस ऑटोमेटिकली जनरेट होकर आपके सामने आ जाते हैं खुद ब खुद। क्या लूपबैक, नहीं लूपबैक ही सर। यहाँ पे लिंक लोकल एड्रेसेस आर सेल्फ जनरेटेड, देखो लिंक लोकल एड्रेसेस ये कोई लूपबैक वूपबैक नहीं होते हैं, ठीक है। दीज आर सेल्फ जनरेटेड, जैसे आपने किसी भी इंटरफेस के ऊपर गए, आपने उस पर आईपी एड्रेस एनेबल करा कि मैं इस पर IPv6 एड्रेस देने जा रहा हूँ, तो वो इंटरफेस आपके लिए ऑटोमेटिकली एक एड्रेस बना के आपको दे देगा जिसे हम क्या बोलेंगे, लिंक लोकल एड्रेस। लेकिन इसकी एक बहुत अच्छी बात है कि ये बंदा इंटरफेयर नहीं करता है। जैसे घर में नहीं होता कोई इंटरफेयर करता है, कह रहे कहाँ यहाँ जा रहे हो, यहाँ क्यों जा रहे हो, वहाँ जा रहे हो, वहाँ क्यों जा रहे हो, ये इंटरफेयर नहीं करेगा आपके साथ, क्योंकि ये राउटिंग टेबल में नहीं जाता है। लिंक लोकल एड्रेसेस नेवर गोज इन द राउटिंग टेबल, दे ऑलवेज रिमेन लोकली सिग्निफिकेंट इनसाइड योर इंटरफेस। अब आपको पता ही है सेफ चलता है तो फिफ टेबल वगैरह बनती है ना, तो IPv6 का जो लिंक लोकल एड्रेस है वो भी किसी ऐसी टेबल में एक पड़ा रहता है लिंक लोकल एड्रेस की तरह। हो सकता है, करना चाहो तो कर सकते हो। करोगे कैसे कि जैसे मेरे पास एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन है, जैसे एक राउटर है ना, इसके साथ ये एक राउटर लगा लो, ये फिलहाल एक राउटर लगा लो R3 है ना। आप चाहो इफ़ यू वॉन्ट, क्या ये तीनों इंटरफेस, देखो ये तीनों, ये वाला और ये वाला,
क्या ये एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन को शेयर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? आ रहे हैं सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन में? तो ये लोग अगर चाहें तो ये लोग अपने लिंक लोकल एड्रेस से आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन याद रखना सिर्फ ये जो मैंने हाईलाइटेड इंटरफेस करे हैं सिर्फ इनके ऊपर। अगर आप चाहो कि यहाँ पे एक फास्ट इथरनेट इंटरफेस है, आप चाहो कि ये वाला लिंक लोकल से मैं इसको पिंग कर जाऊँ, तो ऐसा कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लिंक लोकल एड्रेसेस नेवर गोज इन द राउटिंग टेबल, ये कभी राउटिंग टेबल में नहीं जाते हैं। अपने ब्रॉडकास्ट डोमेन के बाहर लिंक लोकल से आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। राउटिंग चलाओगे कैसे? राउटिंग टेबल होनी चाहिए राउटिंग के लिए, बस प्लग एंड प्ले, प्लग एंड प्ले। देख क्या कर सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक राउटर है ना, एक राउटर यहाँ पे बना लिया, यहाँ पे पीसी ले लिया, बहुत सारे IPv6 एड्रेस देनी नहीं आती लेकिन कम्युनिकेट करना है। IPv6 कैपेबिलिटी ऑन करी, लिंक लोकल एड्रेस आया, जितने पीसी हैं सब आपस में बैठ के बात कर रहे हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं। DHCP वाला बिल्कुल 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 बिल्कुल, यहाँ पे ये सब ऑटोमेटिक है। यहाँ पे वो लिंक लोकल एड्रेस बना के दे रहा है कि अगर प्लग इन प्ले कम्युनिकेशन करनी है, पीसी जोड़ो, पीसी स्विच जोड़ो, IPv6 की कैपेबिलिटी एनेबल करो, IP देने की जरूरत नहीं है, मैं सारा कम्युनिकेशन आपका लिंक लोकल पे एड्रेस पे करा सकने के लिए कैपेबल है। दैट इज द पर्पज ऑफ लिंक लोकल एड्रेस। लेकिन ये बनता कैसे है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो शुरुआत का कैरेक्टर तो हमें पता है कि शुरुआत का कैरेक्टर कहाँ से लाया है, ऊपर से। शुरुआत का कैरेक्टर तो यही होगा, शुरुआत का ब्लॉक हमें पता है कि यही होगा। तो हम बाद का ब्लॉक कहाँ से लेके आएंगे? बाद के ब्लॉक के लिए हमें वापस जाना पड़ेगा, जो हमने थोड़े आधे घंटे पहले एक चीज़ पढ़ी थी। हमने पढ़ा था कि हमारे IPv6 के एड्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं, ग्लोबल प्रीफिक्स, सबनेट मास्क और इंटरफेस ID, करेक्ट? चलो खैर, ग्लोबल प्रीफिक्स तो देखो हमें मिल गया, पहला ब्लॉक हमारे पास है हमारा, राइट? हमारे पास हमारा पहला ब्लॉक है, तो ग्लोबल प्रीफिक्स हमारे पास है। सबनेट मास्क की अभी कोई हमें जरूरत नहीं क्योंकि हम 128 का बनाएंगे एड्रेस, है ना। हमें क्या चाहिए अब? इंटरफेस आईडी। हम इंटरफेस आईडी कहां से निकाल के लाएंगे गाइस? इंटरफेस आईडी के लिए हमें कहीं ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। इंटरफेस आईडी जब हम निकालेंगे तो जैसे फॉर एग्जांपल ये राउटर है, राउटर का एक इंटरफेस है, करेक्ट? राउटर का एक इंटरफेस होता है, हर इंटरफेस का अपना निक कार्ड होता है और हर निक कार्ड का अपना मैक एड्रेस, राइट? तो हम इंटरफेस आईडी बनाने के लिए मैक एड्रेस का इस्तेमाल करते हैं। समझ आया सर? हम किसका इस्तेमाल करेंगे अपनी इंटरफेस आईडी बनाने के लिए, किसका इस्तेमाल करेंगे? मैक एड्रेस का। अब मैक एड्रेस ऐसा भी हो सकता है, देखो मैक एड्रेस की अच्छी बात यह है कि ये भी हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट होता है, राइट? ABCD और E 1 2 3 4 8, है ना सर? लेकिन आप एक प्रॉब्लम में फंस गए हो। कैसी प्रॉब्लम है? यहाँ पे ये है 48 बिट का एड्रेस और जो इंटरफेस आईडी है वो कितने ब्लॉक की है? 4 ब्लॉक की। उसमें कितने बिट आएंगे? 64। आपके पास 16 की कमी है या नहीं है? उस 16 की कमी को भरने के लिए हम क्या काम करेंगे? उस 16 की कमी भरने के लिए हम EUI ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। किसका? EUI ऑप्शन का इस्तेमाल होगा। इसका मतलब क्या होता है कि जो आपका मैक एड्रेस है उसको इंटरफेस आईपी में बदलने के लिए, जो आपका मैक एड्रेस है उसको इंटरफेस आईपी में बदलने के लिए आपके पास 16 बिट की कमी है, राइट? तो आप वो 16 बिट इस तरीके से ला सकते हो FFFE को इस मैक एड्रेस के बिल्कुल बीच में डाल के। ये जो मैक एड्रेस आपका है इस मैक एड्रेस के बिल्कुल बीच में आप क्या डाल दोगे? FFFE। अब वो डालोगे कैसे? 1 2 3 4 ABFFFE CD 1 2 3 4
ये ऑप्शन इनेबल करने के बाद होगा? नहीं, पहले हो जाएगा, ऑटोमेटिकली रहता है। देखो हम क्या करेंगे, हमारा मैक एड्रेस है 48 बिट का, राइट, हमारे पास 16 बिट की कमी होती है, तो हमारा लिंक लोकल एड्रेस क्या कहता है, ये क्या करता है, ये EUI ऑप्शन का यूज़ करता है लिंक लोकल एड्रेस बनाने के लिए, और उस मैक एड्रेस के बीच में 16 बिट डाल देता है चार कैरेक्टर की फॉर्म में। हर बार यही रह डलेगा, हर बार ये बाय डिफॉल्ट ऑन होता है, ये बाय डिफॉल्ट ऑप्शन है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते UI ऑप्शन को। तो ये UI ऑप्शन जो है ये आपका बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा, FFFE, इसको आप हमेशा इस तरीके से लगा दोगे इनके बिल्कुल बीच में, करेक्ट। अब ये कितना चार बन गया या नहीं बन गया, बन गया। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे आपके पास पहला ऑक्टेट है, पहला ब्लॉक है, और पीछे के चार ब्लॉक हैं, बीच के ब्लॉक हैं आपके पास नहीं है ना, तो आप क्या करोगे, FE80 डुअल कॉलन 1 2 3 4 ABFFFECD डुअल कॉलन 1 2 3 4 बन गया आपका पूरा एक एड्रेस लिंक लोकल, आप इसको यूज कर सकते हो। सबनेट मास्क को हमारा 128 है इसमें, क्योंकि हम IP एड्रेस पूरा बना रहे हैं इसमें, इसलिए हमने सबनेट मास्क का इस्तेमाल नहीं करा, हम पूरा 128 बिट का कंप्लीट एड्रेस बना रहे हैं। लिंक लोकल इज ऑलवेज 128 बिट एड्रेस, ठीक है जी। इसमें एक चीज और होती है, क्या जब आप अपना ये एड्रेस बना लेते हो तो एक बिट होती है सेवेंथ बिट, बिट होती है कौन सी, सेवेंथ बिट, यूनिकनेस के लिए, अगर वो वन है तो वो जीरो और जीरो है तो वन चेंज कर देते हैं, ताकि आपका एड्रेस जो है वो बिल्कुल यूनिक रहे। तो जो सेवेंथ बिट होगी आपके इंटरफेस, जब आप पूरा IP एड्रेस बना लेते हो तो जहां आपने इंटरफेस ID लगाई है उसकी इंटरफेस ID की जो सेवेंथ बिट है, राइट, उसकी जो सेवेंथ बिट है वो हम चेंज कर देते हैं। अगर वो वन है तो उसको क्या कर देंगे, जीरो, और जीरो है तो क्या कर देंगे, वन। समझ आया सर सबको, है हमें याद नहीं रखना है, तो IPv6 के ऑटोमेटिकली बना के रखता है वो, तो नहीं नहीं तुम्हारे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो ऑटोमेटिकली वो करवा कन्वर्ट करके देगा आपको। अब देखो होगा क्या, वन को कैसे लिखेंगे, जीरो 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 वन, राइट, और टू को कैसे लिखेंगे, जीरो जीरो वन जीरो। तो अब जो आप 1 2 3 4 5 6 7, तो सेवेंथ बिट क्या है, वन, अब ये क्या हो जाएगी, तो आपका एड्रेस कुछ इस तरीके का हो जाएगा। अरे यार रुक जाओ, हाँ क्या कहते आप, लेफ्ट बोले तो स्टार्टिंग की, स्टार्टिंग ऑफ द इंटरफेस, इंटरफेस आईडी जहाँ लगती है उसको स्टार्टिंग से, लास्ट से नहीं देखेंगे, शुरुआत से। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है इसमें एक्चुअली, अगर आप मैक एड्रेस को बहुत डिटेल में पढ़ो ना तो उसमें ये बिट होती है, इसका बहुत सारा पर्पज होता है, पढ़ लेना, सेवेंथ बिट का एक पूरा फंडा है, हाँ वही है यहाँ पे भी, यूनिकनेस मेंटेन करने के लिए। वो पहले तो मैक एड्रेस यूनिक होता ही है, IPv6 कहता है कि मैं अपनी मेंटेन करूँगा यूनिकनेस, तो वो उसकी सेवेंथ बिट को उठा के चेंज कर देता है यूनिकनेस मेंटेन करने के लिए, बस और कोई इसमें पर्पज़ नहीं है इसका, ठीक है। पर्पज क्या है इसका, कम्युनिकेट करने के लिए, अगर एक वन सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन में अगर आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो। दूसरा इसका यूज़ आपका राउटिंग प्रोटोकॉल करते हैं, जो आपके अपडेट वगैरह भेजते हैं ना वो इसको ऐसा सोर्स लगा के भेज देते हैं कि यहाँ से आ रही है, वो फिजिकल इंटरफेस का यूज़ नहीं करते हैं। देखो दो IP एड्रेस होती हैं IPv6 में, एक होती है फिजिकल इंटरफेस IP एड्रेस और एक हो गई लिंक लोकल IP एड्रेस, राइट। तो जो आपके राउटिंग प्रोटोकॉल IPv6 में काम करते हैं ना, तो अपडेट वगैरह तो जाती है जैसी IPv4 में जाती है, सारे राउटिंग प्रोटोकॉल उसी तरीके से काम करते हैं, लेकिन जब आप राउटिंग अपडेट एक्सचेंज करते हो तो जो नेक्स्ट हॉप आता है ना वो लिंक लोकल एड्रेस का आता है। हाँ तो इसीलिए तो वो लिंक लोकल भेज देता है, क्योंकि ब्रॉडकास्ट से कम्युनिकेट करना है तो ठीक है ना, लिंक लोकल भी सिग्निफिकेंट है एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन में, है ना, तो वो उसको यूज़ करता है, तो वहाँ उसका एक यूसेज है। विद इन अ सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन आप यूज़ कर सकते हो,
है ना, लेकिन जैसे ही आपका ब्रॉडकास्ट बाहर गया, आपका लिंक लोकल एड्रेस कम्युनिकेट, हाँ फिर वो फिजिकल से चलेगा। हाँ लॉजिकल भी होता है, लूपबैक भी बना सकते हो आईपीवी 6 में, ऐसी बात नहीं। हाँ जी आ जाती है, डिपेंड करेगा आपके ऊपर, आप चेंज कर सकते हो। नहीं नहीं इंटरफेस से भी कर सकते हो, इंटरफेस तो है ही जी। जब आप लिंक लोकल से कम्युनिकेट करना चाहोगे ना, तो सोर्स लगा के भेजना पड़ेगा आपको, आपको वो पूछेगा कि सोर्स क्या लेके जाना है। जब आप लिंक लोकल से कम्युनिकेट करना चाहोगे, जब आप फिजिकल से कम्युनिकेट करना चाहोगे, तो आपसे कोई सोर्स नॉर्मल का पिक करा देगा, ये डिफरेंस होता है। हाँ है, जहाँ पे तुम अपना फिजिकल इंटरफेस आईपी एड्रेस देख सकते हो, उसे राउटिंग टेबल में भी देख सकते हो, लेकिन लिंक लोकल को भी देख सकते हो, लिंक लोकल को राउटिंग टेबल से अलग एक जगह वहाँ पे देख सकते हो। कोई दिक्कत किसी को, इतना क्लियर हुआ जी? जी ये रहा फर्स्ट वन की बात, हाँ ये है ग्लोबल, हाँ हाँ। और उसके बाद हमारे पास इंटरफेस है, उससे पहले जो हमने 1 2 3 4 लगाया है वो रीजन उसका सर 1 2 3 4 बोले तो सर हमने 1 2 3 4 लगाया है ये यस सर, ये तो मेरा मैक एड्रेस है, मैक एड्रेस के बीच में ये चार वो डाला था ना, तो वो खुल गया पूरा यूआई, उससे 1 2 3 4 निकल गया है। गाइस इतना क्लियर है सबको, पक्का? राउटिंग टेबल में देखोगे, ईआईआरपी में देखोगे, नेक्स्ट स्टॉप उसका लिंक लोकल पड़ा जाता है। ठीक है सर, सबको क्लियर है? अब गाइस देखो, अगर मेरे पास तीन फास्ट ईथरनेट इंटरफेस हैं, तो तीनों के ऊपर अलग अलग लिंक लोकल आईपी एड्रेस आ जाएगी या नहीं आ जाएगी? आ गई, वेरी गुड। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक राउटर है, मैंने सीरियल इंटरफेस पे IPv6 एनेबल कैपेबिलिटी एनेबल करी, सीरियल पे तो मैक एड्रेस नहीं होता, उस पर क्या होता है एनकैप्सुलेशन। सीरियल इंटरफेसेस पे मैक एड्रेस काम नहीं करते, उस पर क्या काम करती है एनकैप्सुलेशन काम करती है। तब क्या करेंगे हम? देखो हम क्या करेंगे, नहीं लिंक लोकल तो इसमें भी बनेगा, लिंक लोकल क्या करेंगे, अब हमारे पास एक अगर फास्ट इथरनेट इंटरफेस है ना, तो वो उधार पे अपनी इंटरफेस आईडी इसको दे देगा, क्योंकि देखो राउटिंग टेबल में तो जाना नहीं है, रहना इंटरफेस के ऊपर है। तो वो क्या करेगा, वो अपनी फास्ट इथरनेट इंटरफेस की जो इंटरफेस आईडी है वो सीरियल को उधार पे दे देगा कि तू भी यूज कर ले, मैं भी यूज कर लेता हूँ। हाँ अब देखो F0/1 है और F0/0 है, दो हैं, अब किसकी जाएगी इंटरफेस आईडी, जो लोअर होगा। अब लोअर कौन है इसमें, 0/0, तो 0/0 की इंटरफेस आईडी जाएगी। अब अगर कोई ऐसा राउटर है जिसमें आपने निक कार्डिन लगा रखा फास्ट इथरनेट का, मैंने क्या किया, मेरे पास एक राउटर आया, हालांकि ऐसा कभी होगा ही नहीं, लेकिन अगर हो गया तो मैंने अपने राउटर के निक कार्ड बदल दिए, सारे फास्ट इंटरनेट बाहर निकाल लिए है ना राउटर के, और राउटर के अंदर सिर्फ सीरियल स्लॉट्स छोड़ दिए। अब राउटर पे सारे सीरियल इंटरफेसेस हैं है ना, एक सीरियल इंटरफेस ये रहा, दूसरा ये रहा और तीसरा ये रहा, इसमें कोई फास्ट इंटरनेट इंटरफेस नहीं है। अब कैसे बनेगा लिंक लोकल? क्या नहीं, राउटर के बेस मैक एड्रेस से, जो राउटर के मदरबोर्ड में मैक एड्रेस होगा ना
उस मदरबोर्ड का मैक एड्रेस पिक करा जाएगा और इन तीनों को दे दिया जाएगा कि बारी बारी से यूज़ कर लो, ये तुम भी यूज़ करो, तुम भी यूज़ करो और तुम भी यूज़ करो, हैं? हाँ तो नहीं, डिफरेंस करने की ज़रूरत ही नहीं है जब वो सिग्निफिकेंट है ये ब्रॉडकास्ट डोमेन में, राउटिंग टेबल में थोड़े जाएंगे, तो डुप्लीकेसी का कोई सवाल ही नहीं है, वो तो तुम्हारे इस इंटरफेस पे लोकली सिग्निफिकेंट है, वो इसमें लोकली सिग्निफिकेंट है, वो इसमें लोकली सिग्निफिकेंट है। कहाँ? तो राउटर के कब आते हैं, राउटर सिग्निफाई कब करता है, जब उसकी राउटिंग टेबल में आ जाता है। इंटरफेस पे कोई चीज़ पड़ी है तो राउटर को उससे कोई लेना देना नहीं है, आप फिजिकल इंटरफेस तो डिफरेंट ही रखोगे ना, लिंक लोकल अगर सेम हो रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता राउटर के ऊपर, क्योंकि वो कहीं राउटिंग टेबल में पार्टिसिपेट। लिंक लोकल, लिंक लोकल। डालने की जरूरत क्या, खुद बना के देगा, चेंज कर सकता है उसे। ठीक है सर, क्लियर है बिल्कुल, किसी को कोई दिक्कत नहीं? देखो गाइस, अब क्या होगा हमारे पास, अगर मैं बात करता हूं दो राउटर की, तो देखो इस तरीके से कोई नेटवर्क है, जैसे आप मुझसे पूछ रहे थे, ये किसी को एक आईपी एड्रेस दे दी, कैसे जाओ यूज कर लो। अब इसमें 2^64 आईपी एड्रेस बन सकती हैं। कितनी बन सकती हैं? 2^64। अब हम करेंगे क्या, अब हमें अलॉट करनी है, फॉर एग्जांपल, है ना, क्या करनी है, अलॉटमेंट करनी है आईपी एड्रेसिंग की। V6 एड्रेस है, राउटर को बताएंगे कि भाई सुन, ऐसा है कि IPv6 की एड्रेस चलाना है, ठीक है ना, IPv6 चलाना है। ये चीज़ देखो, इस तरीके से आईपी एड्रेस बटेंगे इसमें। डुअल कॉलन के मतलब इधर के सारे क्या हैं, जीरोज हैं, और कहाँ से आप चेंज नहीं कर सकते, 192.1.12.1 को आप चेंज नहीं कर सकते। तो अगर मैं डुअल कॉलन 0001 लिख दूं, कोई दिक्कत है किसी को? और अगर मैं ये पहले के तीन जो इनसिग्निफिकेंट जीरो होते हैं इनको हटा के सिर्फ 1 लिख दूं, तो कोई दिक्कत है? हो गई आईपी एड्रेस पहली, है ना सरकार, और दूसरी क्या हो जाएगी, 192.1:12:1 डुअल कॉलन, अगर मैं 2 लिख के स्लैश लगा के 64 लिख दूं तो कोई दिक्कत है? हाँ भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना, पक्का? तो सेम नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड, क्या कम्युनिकेट हो जाएंगे, आसानी से हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सरकार, अब आप क्या लिखोगे, पिंग, पिंग से पहले क्या जाता है, लेकिन IPv6 में RP नहीं होता, There is no ARP in IPv6, no broadcast in IPv6, no ARP in IPv6. है? तुम तो अपना चला रहे हो, तुम पिंग करो, सामने वाले पे होगा वही नेटवर्क तो चल जाएगा। है? एनीकास्ट? वो क्या होता है? मुझे तो नहीं पता, ऐसे ऐसे टर्म यूज करता है, तू इस कुर्सी पे मत बैठा कर, ये मनहूस है कुर्सी, इस कुर्सी से हट के वहां बैठ जा, वहां बैठ जा, वहां बैठ जा, पीछे इस पे मत बैठा कर, इसे कल से यहाँ रखा कर, वहां इसे खाली रहेगी। इससे पहले वो बैठता था, वो साउथ का लड़का है ना, अच्छा ही उसने राउटिंग नहीं करी, वो 6 महीने लगा देता मेरे साथ। ठीक है जी, उसकी कमी ये पूरी करता है ना कभी कभी। हाँ जी सर, आर्ट तो नहीं होता इसमें, अब हम कम्युनिकेट कैसे करेंगे? नहीं सर जी, देखो इसमें होता है एक टर्म ICMP V6, ICMP जो था ना हमारा IPv4 में जो हमने पढ़ा था, उसका बड़ा भाई है यहाँ पे ICMP V6 version 6। ये क्या है यहाँ पे ICMP V6, देखो अगर तुम्हारा राउटर, जब तुम कभी भी खरीदो
तो खरीदने वाले से ये पूछना होता है कि क्या ये ICMP V6 सपोर्ट करता है या नहीं करता है। अगर वो ICMP V6 सपोर्ट नहीं करता है तो आप राउटर नहीं खरीदोगे, क्योंकि आप उस राउटर पे IPv6 नहीं चला सकते, ठीक है। इफ योर राउटर सपोर्ट ICMP वर्जन 6 ओनली देन इट विल सपोर्ट IPv6, अदरवाइज योर राउटर विल नेवर सपोर्ट IPv6। सर जी क्लियर है। ICMP V6 के अंदर हमारे पास एक प्रोटोकॉल चलता है NDP, नेबर डिस्कवरी प्रोटोकॉल। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। चाहे आप ये कह दो कि ICMP V6 के अंदर NDP चलता है या NDP के अंदर IPv6 की कैपेबिलिटीज के लिए चलता है, वन एंड द सेम थिंग है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, है ना, दोनों एक दूसरे को कंप्लीट बनाते हैं, सोलमेट काइंड ऑफ थिंग, है ना। अगर ICMP V6 नहीं है तो आप NDP के काम नहीं करोगे, अगर NDP नहीं है तो IPv6 का कोई काम नहीं, दोनों इकट्ठे मिलके काम करते हैं, है ना। ICMP V6 के अंदर कुछ मैसेजेस होते हैं गाइस। मैसेजेस किस तरीके के होते हैं, एक होता है नेबर। अब देखो यहाँ इंग्लिश आएगी थोड़ी सी, नेबर सॉलिसिटेशन, नेबर एडवर्टीजमेंट, राउटर सॉलिसिटेशन, राउटर एडवर्टीजमेंट्स, और रीडायरेक्ट। ये इसके मैसेजेस हैं। ठीक है सर, जी ये ICMP V6 के मैसेज बोल दो तो ज़्यादा बेटर है ना। NDP इनको यूटिलाइज करती है। देखो IPv6 बड़ा विचित्र प्राणी है, बहुत आराम आराम से इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है, बहुत बड़ी चीज़ है ये भी, जैसे BGP है ये भी बहुत बड़ी चीज़ है, कोई छोटी नहीं है ये भी, पढ़ाती हूँ बात अलग है। नेबर सॉलिसिटेशन, नेबर एडवर्टीजमेंट, अब ये नाम बहुत बड़े बड़े हैं, इनके दर्शन बहुत छोटे छोटे हैं, ठीक है। नेबर सॉलिसिटेशन और नेबर एडवर्टीजमेंट ये दोनों मिलके काम करते हैं आपका, है वही चीज, उन्होंने नाम बदल के कह दिया इसमें नहीं है, है वही चीज। अब आप क्या क्या काम करता है, डुप्लीकेशन पकड़ता कौन है, आर पकड़ता है, यूनिकनेस कौन बताता है, आर बताता है, सामने वाले के लिए मैक एड्रेस कौन लेके आएगा, आर लेके आएगा, तो जितने आर के काम थे वो ये दोनों भाई मिलके करते हैं। ठीक है, तो जितने भी आर के काम है वो कौन करेगा, ये दोनों बंदे मिलके करेंगे, करेक्ट। अब क्या होगा गाइस कि अगर मैं नेबर सॉलिसिटेशन पे हूँ या नेबर एडवर्टीजमेंट में हूँ तो पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा आर्क की, जभी तो रिप्लाई मिलेगा। तो देखो ये नेबर सॉलिसिटेशन जो है ये है आर्क रिक्वेस्ट, और ये बंदा क्या है आर्क। तो अगर अपनी यूनिकनेस टेस्ट करनी होगी तो कौन सा मैसेज भेजेगा, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट नहीं बोलेंगे, नेबर सॉलिसिटेशन इंग्लिश का यूज करेंगे, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देख आईपी एड्रेस तुमने दी तो दो के लिए आर्प होगा, यहाँ पे सबसे पहले तो लिंक लोकल का आर्प होगा, सबसे पहले छूटते ही, बिल्कुल सबसे पहले तुमने IPv6 एड्रेस दी, उसने लिंक लोकल के लिए आर्प भेज दिया, क्या मेरा लिंक लोकल आईपी एड्रेस यूनिक है, क्यों, क्योंकि हो सकता है कि तुम राउटिंग प्रोटोकॉल चला दो, यूनिक तो होना चाहिए भाई, अपडेट भेजना है, यूनिक होना चाहिए नहीं होना चाहिए, लिंक लोकल भी यूनिक होना चाहिए,
उसके बाद जो आपने फिजिकल इंटरफेस पे आईपी डाली IPv6 की, उसके लिए ARP होगा, यूनि नेबर सॉलिसिटेशन मैसेज जाएगा कि क्या यह है आईपी एड्रेस किसी और बंदे के पास है या नहीं है, जिसको बोलते हैं डैड, डुप्लीकेट एड्रेस डिटेक्शन, पिताजी नहीं, ठीक है, डैड, डुप्लीकेट एड्रेस डिटेक्शन, ठीक है जी। दोनों यूनिकनेस जैसे ही जस्टिफाई हुई है ना, फिर आपका राउटर अपनी आईपी एड्रेस लेके बैठ जाता है कि ठीक है ये आईपी एड्रेस, नाउ इट आई एम कंफर्टेबल विद दिस आईपी एड्रेस, राइट। अब आई ये दोनों भाई, ये भी और अजीब प्राणी है इसमें, ये आपको बिना DHCP के आईपी एड्रेस भी दे सकता है मिलके, बिना DHCP कॉन्फ़िगर करे। एक चीज होती है स्लैक, इंग्लिश वर्ड है, स्टेटलेस समथिंग समथिंग, राइट, इसको हम बोलते हैं स्टेटलेस DHCP, सर्वरलेस DHCP, आसान लैंग्वेज, और इंग्लिश में इसका वर्ड है स्लैक। ये दोनों मिलके आपको बिना DHCP के एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करा सकती हैं मुफ्त में विद डिफॉल्ट राउट, एक डिफॉल्ट राउट भी डाल सकती हैं आपके पास अगर इनका मूड खराब है तो। डिफॉल्ट राउट क्या होता है? 000 वाला, खुद ही, आपको डालने की भी जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे, आप सबसे पहले जैसे ही कोई भी राउटर अप आता है, जैसे आपने फॉर एग्जांपल आपका मूड खराब है, आपने पूरा का पूरा IPv6 इस राउटर के ऊपर डाल दिया, फिजिकल इंटरफेस पे आप गए, आपने कहा आज तो पूरा IPv6 एड्रेस डाल दूंगा खुद ही, आपने पूरा IPv6 एड्रेस डाल दिया। जैसे ही आपने डाला, दो चीज़ें हुई, सबसे पहले नेबर सॉलिसिटेशन हुआ, यूनिकनेस चेक हुई, यूनिकनेस चेक होते ही वो बैठ गया, क्या उसके, जब वो यूनिकनेस टेस्ट करके बैठ गया, क्या उसके ऊपर आईपी एड्रेस आ जाएगी? अब वो यूज़ करना शुरू करेगा, जैसे वो यूज़ करना शुरू करेगा, वो राउटर एडवर्टीजमेंट मैसेज जनरेट करेगा, क्या करेगा? राउटर एडवर्टीजमेंट मैसेज जनरेट करेगा, उसमें वो क्या क्या बताएगा, उसमें वो बताएगा मेरी IPMTU कितनी है पूरे वर्ल्ड को, मेरी क्या है IPMTU, जितनी भी कन्फिगर होगी जो बाय डिफॉल्ट होगी वो दोनों बताएगा, करेक्ट। जैसे ही आप इस चीज से उभरोगे, वो एक और इंफॉर्मेशन राउटर एडवर्टीजमेंट में ऐड करेगा, मेरे ऊपर नेटवर्क कौन सा चल रहा है, मेरे ऊपर नेटवर्क कौन सा चल रहा है। याद रखना, जैसे ही आईपी एड्रेस असाइन करोगे, ठीक है, राउटर एडवर्टीजमेंट आफ्टर नेबर सॉलिसिटेशन दोनों के लिए हो गया, राउटर इमीडिएटली क्या जनरेट करेगा, राउटर एडवर्टीजमेंट, क्लियर हो गया। जैसे ही राउटर ने राउटर एडवर्टीजमेंट जनरेट करा, उसके बाद धीरे 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 टाइम बढ़ा के ये इसको ले जाएगा 200 सेकंड पे, लेकिन धीरे धीरे, एकदम से नहीं। बुक में लिखा है कि राउटर एडवर्टीजमेंट हमेशा जनरेट होता है 200 सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली, उन राउटर्स पे जिन पे आप IPv6 एड्रेस दे देते हो। 200 सेकंड बाय डिफॉल्ट नहीं होता, धीरे धीरे बढ़ता है, ग्रेजुअली 200 होता है वो। बुक में लिखा है कि ये 200 सेकंड होता है, 200 सेकंड ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ के 200 सेकंड हो जाता है, इमीडिएटली 200 नहीं होता है, लेकिन एक बार 200 हो गया तो फिर 200 ही रहेगा। कब तक? जब तक कोई बंदा राउटर सॉलिसिटेशन भेज ना दे। जैसे फॉर एग्जांपल आपका अब मूड खराब हो गया, आप थक गए, एक राउटर पे आपने IPv6 एड्रेस दी, आपने कहा दूसरे पे नहीं दूंगा, आपने क्या कहा, आपने एक ऑप्शन यूज करा, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है ऑटो कन्फिग का, क्या होता है ऑटो कन्फिग का, आपने कहा कि हम किसका यूज करेंगे, हम ऑटो कन्फिग का यूज करेंगे। जैसे ही आपने ऑटो कन्फिग का कहा, आपका राउटर एक्टिवेट हो जाता है कि मुझे आईपी एड्रेस चाहिए। ये क्या करता है, ये राउटर सॉलिसिटेशन मैसेज जनरेट करता है, ये क्या करता है, राउटर सॉलिसिटेशन मैसेज जनरेट करता है। और ये बंदा जैसे ही राउटर सॉलिसिटेशन को रिसीव करेगा, तो चाहे इसका टाइम पीरियड कुछ भी हो, ये इमीडिएटली क्या जनरेट करेगा, राउटर एडवर्टीजमेंट, और इस बंदे को देगा कि देख हम इस नेटवर्क का पार्ट है, हम किसका पार्ट है, हम इस नेटवर्क का पार्ट है, तू अपनी इंटरफेस ID इस पे जोड़ ले, ठीक है। जैसे ही जोड़ लेगा तो तुम क्या करोगे, अपने आप को एक आईपी एड्रेस बना लोगे। लेकिन याद रखना, ऑटो कन्फिग ऑप्शन यू कैन ओनली यूज इफ योर सबनेट मास्क ऑफ द नेटवर्क इज /64 और बिलो। क्यों? क्योंकि 64 की तो आपका नेटवर्क ID हो गई है ना, और 64 का आपका इंटरफेस हो गया, तो 64 और 64 कितने हो गए, 128। IPv6 का एड्रेस की लेंथ कितनी होती है, 128। लेकिन अगर मैं इसको बढ़ा के यहाँ पे
80 लिख दूं, अब 128, 80 प्लस 128 कितना हो जाएगा, 80 प्लस नहीं, 80 प्लस एक मिनट रुको, 80 प्लस 64, 80 प्लस 64 कितना हुआ, 144 हुआ। तो 144 में तू डाल सकता है P6 एड्रेस, नहीं ले सकता ना, तो उससे बड़े को क्या करोगे, देखो अगर 64 है या उससे बिलो है तब तो आप क्या यूज कर लोगे, ऑटो कॉन्फ़िग। और अगर आपकी नेटवर्क, अगर आपका जो नेटवर्क है वो 64 या उससे बड़ा है तो आप IPv6 DHCP का यूज करोगे एड्रेस असाइन करने के लिए। एड्रेस असाइन करने के तीन तरीके, DHCP, ऑटो कॉन्फ़िग और मैनुअल, है ना। ऑटो कॉन्फ़िग यूज कर सकते हो जब तुम्हारा सबनेट पास 64 या उससे छोटा हो, उसमें तुम्हें DHCP कॉन्फ़िगर करने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा, अगर तुम्हारा सबनेट मास्क ऑफ द नेटवर्क इज ग्रेटर देन 64, तो आप IPv6 DHCP को कॉन्फ़िगर करके ही IP दे सकते हो या मैनुअल। जी जी जी, नहीं नेगोशिएट होगा अगर डिफरेंस, लोअर जी ये वाला जाएगा, जो सिर्फ लिंक लोकल होता है वो नहीं जाता, बाकी फिजिकल का जाता है। जी ऑटो कॉन्फिगर रहेगा, हाँ, तो R2 को जो मैक मिलेगा वो उसी नेटवर्क का मिलेगा जो R1 के पास चल रहा हो, नेटवर्क नहीं होगा, वो सिर्फ नेटवर्क बताएगा कि ये हमारा, ये अपना नेटवर्क है, इंटरफेस आईडी हम अपनी खुद बनाएंगे, इंटरफेस आईडी खुद, जैसे हम लिंक लोकल में बनाते थे ना, तो लिंक लोकल की तरीके से वो नेटवर्क हमें दे देगा, हम अपनी इंटरफेस आईडी जोड़ के अपनी आईपी एड्रेस बना लेंगे, है मैक तो हमारे पास भी होगा। क्लियर है, कोई और क्वेश्चन? नहीं, DHCP तो फिर आप जहाँ आपका, हाँ हाँ, बस इसके लिए आप वो है कि 64 पे आप क्यों चलाओगे जब ऑटो कॉन्फ़िग है, तो अगर 64 से छोटा है तो ऑटो कॉन्फ़िग का यूज़ करो, 64 से बड़ा अगर कोई नेटवर्क है तो उसके लिए DHCP यूज़ कर लो। यार ऑटो कॉन्फ़िग में तुम्हें सर्वर को कॉन्फ़िगर करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, ऑटो कॉन्फ़िग इज 1000 टाइम इजी देन द DHCP। DHCP में तुम्हें IP एड्रेस DHCP लिखना पड़ेगा, फिर तुम अपने सर्वर पे जाओगे, वहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करोगे, नेटवर्क बताओगे। यहाँ ऑटो कॉन्फ़िग में तुम्हें ऐसा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑटो कॉन्फ़िग में, ऑटो कॉन्फ़िग में तुम्हें हमेशा ऑटो IP एड्रेस ऑटोमेटिकली मिल जाएगी, ठीक है। हाँ, वो फिर मैक एड्रेस से हम कर सकते हैं। हाँ, हाँ नहीं, लिंक लोकल वाले नहीं, फिजिकल वाला, असाइन होने के बाद ही तो बात कर रहा हूँ, ये राउटर एडवर्टीजमेंट जब ही जाएगा तो तुम्हारी फिजिकल इंटरफेस पे IP आ जाएगी। और कोई सवाल? अब देखो एक अच्छा सवाल मेरे पास है कि मैंने आपको बोला कि ये ब्रॉडकास्ट नहीं करता है ना, ये क्या नहीं करता है, ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा, राइट, तो फिर ये सारे मैसेज आपस में शेयर कैसे होंगे? नहीं, मल्टीकास्ट, ये सारे मैसेजेस मल्टीकास्ट बेस पे फॉरवर्ड होंगे एक दूसरे का, मल्टीकास्ट अलाउड हो जाती है बाय डिफॉल्ट, जैसे आप IPv6 डालते हो किसी पे भी मल्टीकास्ट बाय डिफॉल्ट इनेबल हो जाती है, बिकॉज उन्हें पता है कि तुम ये चारों मैसेज यूज करने जा रहे हो ICMPv6 के, ठीक है सरकार। अब एक काम करो, जल्दी से ब्रेक लो, वापस आओ, फिर शुरू करो। देखो भाइयों, अब हम बात करेंगे सबसे पहले एक राउटर सॉलिसिटेशन की। राउटर एडवर्टीजमेंट जो होता है वो एक तो 200 सेकंड के टाइम इंटरवल पे जाते ही जाता है, राइट, और एक ये सॉलिसिटेड भी जा सकता है। सॉलिसिट कब जाएगा? जब कहीं से रिक्वेस्ट आएगी, ठीक है। राउटर एडवर्टीजमेंट एक तो रिक्वेस्ट पे कहीं जा सकता है ना, और दूसरा ये 200 सेकंड पे विदाउट किसी के रिक्वेस्ट आए हुए, तो 200 सेकंड पे तो जाते ही जाता है, लेकिन अगर कोई बंदा इमीडिएटली रिक्वेस्ट करेगा तो फिर ये इमीडिएटली जा बाहर जा सकता है, करेक्ट। अब एक मैसेज है यहाँ पे रीडायरेक्ट, क्या है रीडायरेक्ट, ये पांचवे टाइप का मैसेज है, वो किस तरीके से काम करता है देखो। अगर मेरे पास एक राउटर 1 है, यहाँ राउटर 2 है और यहाँ राउटर 3 है,
तो आपको याद होगा जब हम राउटिंग प्रोटोकॉल पढ़ते थे तो हमें मैसेज जो है हब एंड स्पोक में डायरेक्टली नहीं जाता था, फिर हमें उसे रीडायरेक्ट करना पड़ता था, राइट। IPv6 ये काम आपको बाय डिफॉल्ट करके देता है। IPv6 क्या कहता है कि अगर ट्रैफिक, जैसे मैंने हब एंड स्पोक टोपोलॉजी बनाई, करेक्ट, तो ये ट्रैफिक यहाँ से इसको देगा, ये इसको देगा, फिर अगर इसको यहाँ जाना है तो ये पहले यहाँ जाएगा, देन यहाँ से फिर यहाँ जाएगा, करेक्ट। अब हम करते क्या हैं गाइस, हम यहाँ से R1 से जैसे ही हमें पता लगेगा कि ये मैसेज डायरेक्टली जा सकता है, राइट, हम यहाँ से एक रीडायरेक्ट मैसेज इशू करेंगे R1 से, और जैसे ही वो रीडायरेक्ट इन दोनों को मिलेगा तो इन्हें पता चल जाएगा कि हमें हर मैसेज या हर ट्रैफिक के लिए हब पे जाने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्टली भी जा सकते हैं। ये काम हमारा पहले राउटिंग प्रोटोकॉल करके देते थे, राइट। लेकिन राउटिंग प्रोटोकॉल के बजाय हम चाहें तो ये काम ऑटोमेटिकली ICMP V6 के मैसेजेस से भी कर सकते हैं यूजिंग द रीडायरेक्ट मैसेज, और जो कि बाय डिफॉल्ट अनेबल होता है, आपको अनेबल करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे इस तरीके का अगर ट्रैफिक IPv6 सेंस करेगा तो आपको राउटिंग प्रोटोकॉल में चेंज करने की जरूरत नहीं है, वो काम आपका IPv6 से एड्रेस ही करके दे देगा। हाँ, बाय डिफॉल्ट कोई कमांड कराने की जरूरत नहीं है, वो हो जाता है, ठीक है सर। अब देखो इसमें IPv6 में और भी कुछ चीज़ें हैं छोटी मोटी थ्योरेटिकल, सबसे पहले ये है IPv6 का हेडर, 40 बाइट का हेडर होता है इसका, ओके। इसमें क्या होता है गाइस, सबसे पहले हमारे पास आता है वर्जन, तो आपको पता है वर्जन हम कौन सा चला रहे हैं, V6। ट्रैफिक क्लास और फ्लो लेबल हम यूज करेंगे लेकिन सिर्फ क्वालिटी ऑफ सर्विस में, अभी नहीं करेंगे। नेक्स्ट हेडर, याद है IPv4 में एक प्रोटोकॉल नंबर होता था, है ना, प्रोटोकॉल नंबर होता था, तो वो प्रोटोकॉल नंबर इज नेक्स्ट हेडर हुआ है, ठीक है जी। देन हॉप लिमिट is what 255, payload length of the packet, और source address और destination address बताने की जरूरत तो है नहीं, आपको ये पता ही होगा, ठीक है। हाँ, वर्ड साइज जो है वो 32 बिट ही होता है, जो आपका जो वर्ड का साइज होगा वो 32 बिट ही होगा, वो ऐसे करके लाइन में आपको 32 बिट करके हेडर लंबा होता चला जाता है, इन्फॉर्मेशन बढ़ती चली जाती है। वो 32 बिट प्रोसेसर और 64 बिट प्रोसेसर है ना, 32 बिट एक लाइन उठा के पड़ता है, 64 बिट दो उठा के पड़ता है। हाँ, पेलोड कितना बड़ा हो सकता है, ठीक है जी। ये इसका हेडर है। अब देखो आप इसमें ये NDP के मैसेज, ये हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, है ना, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, राउटर सॉलिसिटेशन, राउटर एडवर्टीजमेंट, राउटर नेबर एडवर्टीजमेंट, नेबर सॉलिसिटेशन और रीडायरेक्ट। उसके बाद ये NDP है, NDP के वही फंक्शंस होते हैं, वो सारे जितने भी ICMP V6 के फंक्शंस हैं जो ARP और ICMP करता था वो उठा के NDP ने किसको दे दिया, ICMP V6 को, और उन 5 मैसेज से अपना सारा काम करा लिया, ठीक है सर। उसके बाद नेबर रिलेशनशिप स्टेजेस होती हैं इसमें सर, क्या होती हैं नेबर रिलेशनशिप स्टेजेस, IPv6 के अंदर नेबर रिलेशनशिप होता है जो IPv4 में नहीं होता था, यहाँ पे मतलब IP to IP नेबर रिलेशनशिप हो जाती है, ठीक है, और उसको मेंटेन करके रखा जाता है। 90% या तो वो स्टेल में रहेगा या तो फिर वो आपका रीचेबल में रहेगा, और कोई दो स्टेजेस नहीं होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब पढ़ते हैं इसको किस तरीके से वो काम करता है। अगर आप 30 सेकंड के अंदर अंदर कम्युनिकेट कर चुके हो किसी से, फॉर एग्जांपल मैंने आपको कोई डेटा भेजा, विद इन 30 सेकंड हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो मैं और ये रीचेबल स्टेट में है, समझ आया। अब हमने 30 सेकंड तक बात नहीं की, देखो द एंट्री इन द नेबर कैश हैज नॉट बीन वेरीफाइड एज रीचेबल विद इन द पास्ट 30 सेकेंड्स, राइट। एंड अनसॉलिसिटेड मतलब एक नेबर एडवर्टीजमेंट हम जनरेट करेंगे टू एट द एंट्री ऑफ द सेंडर ऑफ द मैसेज टू द स्टेल स्टेट से, ताकि उसको हटा के हम कहाँ डाल दें,
रीचेबल में डाल दें तो हम क्या करते हैं, 30 सेकंड तक अगर हम उसके साथ कम्युनिकेट नहीं करते हैं तो उसको स्टेल स्टेट में डालेंगे। स्टेल स्टेट में ऐसे डालेंगे उसको एक नेबर एडवर्टीजमेंट मैसेज भेजेंगे कि भाई ये नेबर एडवर्टीजमेंट, क्या तुम जिंदा हो या मर गए, कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं ना अब हम, लेकिन हमें रीचेबल स्टेट मेंटेन करनी है। तो मैंने क्या करा, मैंने उसको एक नेबर सोलिसिटेशन मैसेज भेजा। जैसे मैंने उसको नेबर सोलिसिटेशन मैसेज भेजा, मैं स्टेल से वेट करूंगा 5 सेकंड। अगर मैं 5 सेकंड के अंदर अंदर उसने रिप्लाई कर दिया तो ठीक है। अब देखो उसको, नो रीचेबल वेरिफिकेशन हैज बीन वेरीफाइड विद इन द पास्ट 30 सेकंड एंड अ पैकेट हैज बीन सेंट टू द स्पेसिफिक नेबर विद इन द पास्ट 5 सेकंड। इफ नो पॉजिटिव कंफर्मेशन हैज बीन रिसीव्ड विद इन द 5 सेकंड ऑफ एंटरिंग द डिले, यू विल बी विदिन द यू विल बी एंटरिंग व्हाट डिले स्टेट एंड सेंड अनदर एनएस। ठीक है जी, अनदर एनएस जाएगा और फिर हम उसको चेंज कर देंगे। अगर उसका भी रिप्लाई नहीं आया था फिर हम उसको चेंज कर देंगे किस में, प्रोब में। देखो क्या होता है, हम रीचेबल थे राइट, हम रीचेबल थे, 30 सेकंड तक हमने कोई नहीं करा आप कम्युनिकेट, हम स्टेल में आए। स्टेल से आते ही हमने एक नेबर एडवर्टीजमेंट भेजा सामने वाले के पास और किस में चले गए, डिले के अंदर। डिले में 5 सेकंड वेट करा, उसने उस जो नेबर सोलिसिटेशन पहले भेजा था उसका रिप्लाई नहीं करा, करेक्ट। डिले के अंदर एक और क्या भेजा, नेबर सोलिसिटेशन मैसेज। अगर उसने 5 सेकंड के अंदर अंदर उस दूसरे वाले नेबर सोलिसिटेशन का नेबर रिप्लाई नहीं करा तो हम उसको किस में डाल देंगे, प्रोब। हम क्या करते हैं, जब तक वो प्रोब में रहता है ना उसको नेबर सोलिसिटेशन भेजते रहते हैं। 30 सेकंड रीचेबल में 5 का स्टेल लगा ले, 5 का वो लगा ले, 5 और 40, 40 और 5, 40 में वो तुम नेबर सोलिसिटेशन, जैसे तुम प्रोब में आए राइट, प्रोब में आते ही तुम उसको क्या भेजना शुरू करोगे, नेबर सोलिसिटेशन। जब तक वो रिप्लाई नहीं करेगा जब तक तुम उसको एनएस भेजते रहोगे। क्या वो तो नेबर सोलिसिटेशन का था, वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। ये तो हम रीचेबिलिटी स्टेट डिस्कस कर रहे हैं, वो तो मैसेजेस थे आईसीएमपी के, उनका इससे कोई मतलब नहीं है। अगर मुझे तू 200 सेकंड में क्या होता है, मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ है ना, मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ, मैंने सारे नेबर सोलिसिटेशन, नेबर एडवर्टीजमेंट सब राउटर सोलिसिटेशन, राउटर एडवर्टीजमेंट एक्सचेंज कर लिए, मेरे पास आईपी भी है। अब हम कम्युनिकेट कर रहे थे, 30 सेकंड के बाद हम कम्युनिकेट नहीं कर रहे है ना, तो अब मुझे IPv6 को नेबर रिलेशनशिप मेंटेन करनी है रीचेबल में। तो वो क्या करता है, एक नेबर सोलिसिटेशन भेज देता है और खुद को किस में डाल देता है, स्टेल स्टेट में है ना, वेट करता है 5 सेकंड, रिप्लाई आया ठीक, नहीं तो किस में डाल दिया, डिले में। एक और नेबर सोलिसिटेशन बनाया फिर भेज दिया, किसको, नेबर को, नेबर सोलिसिटेशन मैसेज है रिप्लाई कर, नहीं रिप्लाई करता कहाँ पे डाल देंगे, प्रोब में, प्रोब से कंटिन्यूसली नेबर सोलिसिटेशन जाते हैं। ठीक है, ये स्टेजेस होती हैं किसकी, आपकी IPv6 की। इसमें कोई राउटिंग प्रोटोकॉल नहीं चला हुआ है, सिर्फ IP है जिस पे हम काम कर रहे हैं। हाँ ठीक है, अब थोड़ी सी IP एड्रेस डाल के देख लें। किसी को और को कुछ पूछना है तो, वरना तो फिर मैं प्रैक्टिकल पे चलूं, चलें, चलो सर।
देखो सर, वायर शार्प भी चला लेते हैं ताकि मैसेज को आसानी से पढ़ पाए। ये चल गया वायर शार्प। सबसे पहले गाइस देखो IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग, उन सारे मैसेजेस को एनेबल करने के लिए जो भी हमने पढ़े थे, ठीक है जी। IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग इंटरफेस F0/0 पे जाएंगे। अब IPv6 एड्रेस, इसमें IPv6 एड्रेस देंगे। हाँ मैं नो सर, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं वायरशार्क के ऊपर, देखते हैं वायरशार्क भाई क्या कह रहा है इसमें। तो वायरशार्क भाई बहुत सारी बातें कह रहा होगा। सबसे पहले तो आप लोग देखो कि थोड़ा छोटा कर, देखो सर सबसे पहले क्या आया, नेबर सॉलिसिटेशन किसके लिए आया देखना, FEAT दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। मल्टीकास्ट है, और मल्टीकास्ट होने के बाद देखो क्या है सबसे पहले मैसेज में, ये देखो नेबर क्या लिखा हुआ है, सॉलिसिटेशन किसके लिए कर रहा है, लिंक लोकल एड्रेस के लिए कर रहा है। दिखाऊं देखना FEAT लिखा हुआ है या नहीं। सर जी पहले किसको यूनिकनेस डिफाइन करी इसने, लिंक लोकल की, राइट। उसके बाद सेटिस्फाई नहीं हुआ होगा भी और गुस्सा करेगा आपके साथ, फिर इसने नेबर सॉलिसिटेशन, देखो नेबर सॉलिसिटेशन टारगेट आईपी एड्रेस क्या लिखा है, अपना लिखा है या नहीं लिखा है, करेक्ट है। और उसके बाद ये देखो क्या आया, राउटर एडवर्टीजमेंट, क्योंकि आपने मैनुअली आईपी एड्रेस असाइन करी थी ना इस पे, तो मैनुअली असाइन करते इसने क्या दिया आपको, प्रीफिक्स इंफॉर्मेशन, करेक्ट। और ये क्या है, ये इसकी सोर्स है, और ये क्या है MTUS की, ठीक है ना। उसके बाद देखो 200 सेकंड नहीं है, एक तो ये रहा राउटर एडवर्टीजमेंट, दूसरा ये रहा या नहीं है, है या नहीं है ना। उसके बाद तीसरा कहाँ है, ये रहा। अब ये ग्रेजुअली इसको बढ़ा के कहाँ पे ले जाएगा, अब आएगा 200 सेकंड के बाद। तो जो आपसे कहे कि राउटर एडवर्टीजमेंट का टाइम 200 सेकंड होता है, तो उसे एजुकेट कर दीजिएगा कि ऐसे नहीं होता भाई, मैनुअल ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ता है, ठीक है। बस इतना बताना होगा, नौकरी तो मिली जाएगी, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, देखो ये था सिंपल सा तरीका IPv6 एड्रेस देने का। अब इसको वेरीफाई कैसे करेंगे, जैसे तुम IPv4 को वेरीफाई करते थे वैसे IPv6 को वेरीफाई करोगे, बस जहाँ IPv4 लिखते थे वहाँ क्या लिखोगे, IPv6। कहीं कोई लिंक लोकल का कोई जिक्र है जी, कहीं कोई लिंक लोकल की बातचीत, कोई नाराजगी किसी कुछ दिखाई दे रहा हो, किसी को लिंक लोकल नहीं दे रहा ना। फिजिकल इंटरफेस पे जो आईपी एड्रेस डाली थी वही है ना, राइट। अब देखो यहाँ पे क्या इसमें कोई आईपी एड्रेस दिखाई दे रही है, नहीं, क्यों, क्योंकि हमें IPv6 का आईपी एड्रेस दिया है। डू शो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ। अब देखिए यहाँ पे जब हमने इसको दिया तो क्या हमें लिंक लोकल आईपी एड्रेस दिखाई दी, और देखो बीच में देखो FF भी लिखा हुआ है, ये देखो ये चार EUI ऑप्शन जो मैंने हाईलाइट करा है ये दिखाई दिया, ये EUI ऑप्शन है। तो इस मैंने दिया इसे लिंक लोकल एड्रेस या खुद ले लिया, समझ आ गया सर सबको, कुछ भी नहीं वो खुद बनी, मैंने कहा दो थी, मैंने तो एक ही थी, वो तो खुद बना ली उसने, एक तो उसने खुद बनाई है, मैंने नहीं दी। सर अगर लोकल में उसको बात करनी है तो वो लिंक लोकल पे ही बात करेगा। हाँ
और उसे अगर ग्लोबल से बात करनी है, कहीं बाहर जाना है ब्रॉडकास्ट डोमेन से, तो वो फिजिकल से बात करेगा। सर जी इतना क्लियर है सबको? सर इसमें एफएफ ऐड हुआ ना बीच में? जी ये रहा देखिए जो हाईलाइट किया था। सर जी इतना क्लियर है सबको? आगे चलूँ अब? तो दोनों तरीके से आप वेरीफाई कर सकते हो, शो आईपी राउट, शो आईपी V6 इंटरफेस भी, दोनों तरीके से आप वेरीफाई कर सकते हो। उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं इसमें, तो दूसरे राउटर पे भी मैं कम्युनिकेट करा सकता हूँ। देखो इसी तरीके से आईपी दे देता हूँ, उसमें भी कॉन्फ़िग करेंगे उसमें, और इंटरफेस F0/0 पर जाएंगे, IPv6 एड्रेस 192:1:12। रुक जाओ पहले एक बार सिंपल कर देख लेते हैं। अरे रुक क्या वो बाद में चला दूँगा, सिंपल के साथ जरूरत है IPv, जस्ट सिंपल कम्युनिकेट कराना है इनकास्ट करके, राइट? अब तो मैनुअल दोनों तरफ IP एड्रेस दे दी है ना। तो देखिए यहाँ पे डू पिंग, अब पिंग के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ पे। अब देखो पिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, हो गया ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए गाइस ये तो था आपका दोनों तरफ मैनुअल आईपी एड्रेस दी और खेल खत्म है ना। वेरीफाई कर लोगे शो आईपी V6 राउट, शो आईपी V6 इंटरफेस ब्रीफ। अब आगे चलते हैं, आगे चलने की बात क्या है कि मैं यहाँ से इंटरफेस पे जाता हूँ और इसको कहता हूँ कि तेरी आईपी एड्रेस, आईपी से एड्रेस हट गया है ना, डू शो आईपी V6 इंटरफेस ब्रीफ। तो देखो लिंक लोकल भी साथ में बेचारा चला गया है ना। अब एक काम करते हैं, अब इसको क्या करते हैं, इंटरफेस में जाके इसको बोलेंगे IPv6 एड्रेस ऑटोवर्क, नोशट ये है ही पहले से है ना, आप है ना। अब देखिए यहां पे जाइए आप वायरशार्क, तो जैसे आपने इसको, इसने कहीं ना कहीं नोएबर सॉलिसिटेशन मैसेज दिया होगा, पता के नहीं दिया होगा, देखें राउटर सॉलिसिटेशन आया ये है ना, और उसके बाद ये आया राउटर एडवर्टीजमेंट। राउटर एडवर्टीजमेंट ये बंदे किसका है, ये सामने वाले बंदे का है राउटर एडवर्टीजमेंट, ये किसका है, ये R1 का है। अब देखो अब मैंने दोनों राउटर एडवर्टीजमेंट देखे, मुझे कैसे पता लगा कौन R1 का और कौन R2 का? जब आप कहीं भी आईपी एड्रेस ऑटो कॉन्फ़िग से देते हो तो वो भी राउटर एडवर्टीजमेंट जनरेट करता है। क्या जनरेट करता है? राउटर एडवर्टीजमेंट। दोबारा बोलता हूँ, जब कभी भी आप कहीं पे भी राउटर को आईपी एड्रेस देते हो तो वो क्या जनरेट करता है? राउटर एडवर्ट। आपने चाहे ऑटो कॉन्फ़िग से आईपी डाली, चाहे आपने मैनुअल आईपी एड्रेस डाली, करेक्ट, आप क्या करोगे, राउटर एडवर्टीजमेंट जनरेट करोगे, लेकिन जब आप मैनुअल आईपी एड्रेस जिस इंटरफेस पे डालोगे उसके राउटर एडवर्टीजमेंट में आपको प्रीफिक्स इंफॉर्मेशन मिलेगी। जब आप ऑटो कॉन्फ़िग डालते हो और राउटर एडवर्टीजमेंट जनरेट करते हो आईपी एड्रेस मिलने के बाद, तो उसमें प्रीफिक्स इंफॉर्मेशन नहीं होती है। देखो ये है उसका राउटर एडवर्टीजमेंट, क्या उसमें प्रीफिक्स इंफॉर्मेशन है? अगर कोई राउटर राउटर एडवर्टीजमेंट जनरेट करता है और उसमें प्रीफिक्स की इंफॉर्मेशन नहीं होती है, तो उसका मतलब है कि उसने ऑटो कॉन्फ़िग से आईपी ली है, ठीक है। अगर आप राउटर एडवर्टीजमेंट जनरेट करते हो और उसमें प्रीफिक्स इंफॉर्मेशन लगाते हो, तो इसका मतलब आपने आईपी एड्रेस मैनुअली असाइन किया। एक बार वो दिखाना दूसरा वाला। क्या? प्रीफिक्स वाला। ठीक है। गाइस इतना क्लियर हुआ? अब मान लो हमारे तो दिमाग में चूल है, हमने क्या करा, हमने इसको भी मैनुअल आईपी दे दी, इसको भी मैनुअल आईपी दे दी। हाँ,
हमने दोनों को मैनुअल आईपी एड्रेसेस दे दी, अब बताओ आईपी कौन देगा? दोनों जनरेट करेंगे, आर3 किसकी लेगा? क्या लोअर होगा? तुक्का नहीं मारना। देखो एक होती है राउट प्रेफरेंस, एक होती है क्या राउट प्रेफरेंस। अब देखो इसको किस तरीके से काम करा सकते हैं। हम क्या करेंगे उस केस में, R1 के ऊपर जाएंगे, हम चाहते हैं R1 IP एड्रेस दे, राइट? IPv6 ND राउट प्रेफरेंस, इसकी क्या कर देंगे हाई, बाय डिफॉल्ट मीडियम होती है, हैं? हाँ फिर इसकी जाए। समझ आया? बाय डिफॉल्ट क्या होती है मीडियम, मुझे चाहिए है कि मैं R1 से ही आईपी एड्रेस लूँ हमेशा, तो मैंने बाय डिफॉल्ट जबकि क्या होती है मीडियम, तो मैंने R1 की क्या कर दी हाई, तो अब R1 ही अपनी प्रीफिक्स इंफॉर्मेशन उसको देगा, अब वो R1 से ही। क्लियर है? हाँ, बाकी सबकी मीडियम, पूरी टोपोलॉजी का, दो ही तो राउटर है। अब हाँ ब्रॉडकास्ट डोमेन की बात करेंगे, आई पी ब्रॉडकास्ट डोमेन से छठे ब्रॉडकास्ट डोमेन में थोड़ी ले जाएगा, एक ब्रॉडकास्ट डोमेन में तो आईपी दे सकता है। गाइस इतना क्लियर हो गया? अब देखो इसकी वेरीफाई करनी है कि इसे आईपी एड्रेस मिली भी है या नहीं मिली है ना? तो अब हम क्या करेंगे, शो IPv6 पर सबसे पहले राउट, तो देखो इसको पास पहले तो ये देखो ये चार इसने बताया कि NDPC में ये नेटवर्क मिला ना NDPC नेटवर्क, और उसके बाद उसने बताया कि उसने हमें बताया कि देखो मैं आईपी एड्रेस खुद बनाई है EUI ऑप्शन का यूज करके, 64 उससे ली, 64 अपनी इंटरफेस आईपी एड्रेस डाली और मिला के क्या बना दिया 128। अब देखो इसको और अच्छी तरीके से देखना है तो शो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ में जाओ और यहाँ देखो ये है आपका फर्स्ट 64 है ना जी, जो नेटवर्क RMA से मैंने लिया और ये मैंने खुद बनाया। अब देखो लिंक लोकल का और इन दोनों का आईपी एड्रेस सेम है या नहीं है इंटरफेस आईडी का? समझ में आया? अब देखो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसके साथ एक डिफॉल्ट राउट भी लेके आ सकते हो ऑटोमेटिकली। आप क्या कर सकते हो यहाँ पे ऑटो कॉन्फ़िग डिफॉल्ट, एक बार हटा के डाल देते हैं, याद देखते हैं आ गया होगा, शुड बी IPv6 राउट नहीं आया, इंटरफेस को सेट करो एक बार, शो IPv6 राउट, देखना दिखाई दिया आगे डिफॉल्ट राउट, कोई दिक्कत है नहीं? आपने कोई डिफॉल्ट राउट डाला नहीं, ऑटोमेटिकली आ गया ना, किस कमांड से आया? बस मैंने ये कीवर्ड डिफॉल्ट ऐड करा, उसने आईपी तो दी साथ में उसने कहा ले डिफॉल्ट राउट। तो हब एंड स्पोक सिनेरियो में एक हब पे बैठ के बाकी सारे में अगर ये डिफॉल्ट चला दो तो अपार्ट ऑफ आईपी एड्रेस तुम्हें कुछ करने की जरूरत है, कोई राउटिंग वाउटिंग की जरूरत नहीं है ना। तो देखो IPv6 इज मोर सिंपलर देन योर IPv4। IPv4 में कितने कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़े थे, IPv6 इज 1000 टाइम सिंपलर देन योर IPv4। इसमें नंबर ऑफ द कंसेप्ट आर लोअर देन द नंबर ऑफ द कंसेप्ट दैट आर प्रेजेंट इन IPv4। समझ आया सर? क्लियर हुई बात? अब जैसे आपका मूड खराब है तो आप एक काम ये भी कर सकते हो, IPv6 एड्रेस DHCP बहुत सारी कमांड है इसमें, कुछ और कमांड्स हैं इसमें, छोड़ो है वो हमारे काम के लिए, कुछ तो आई नहीं पड़ोगी,
इतना क्लियर है? आई में तो जा ही रहे हो ना तुम लोग, कोई बात नहीं, यू आई में पढ़ने का। आज का कार्यक्रम समाप्त। समाप्त।